ग्रामीण थाना क्षेत्र के बोथिया के पास सोमवार रात्रि को पिस्तौल दिखाकर एक बोलेरो गाड़ी लूट का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर गाड़ी की तलाश की जा रही थी। इसी दरमियान गाड़ी लूटने वाले गाड़ी को बाड़मेर के चामुंडा सर्किल के पास छोड़कर भाग गए। सूचना पर मौके पर ग्रामीण थाना पुलिस पहुंची और बोलेरो को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व आसपास के लोगों से पूछताछ कर बदमाशों की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बाटका के पास सोमवार शाम बदमाशों द्वारा लूटी गई बोलेरो गाड़ी मंगलवार को शहर के चामुंडा चौराहे के पास लावारिस हालत में पड़ी मिली। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं FSL टीम ने भी गाड़ी से फिंगरप्रिंट के साथ अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। वाहन चालक के रिश्तेदार प्रेम सिंह ने बताया कि सोमवार को चौठन चौराहे से तीन युवक उसके चाचा को बोलेरो गाड़ी किराए पर बाटका चलने का कहकर निकले थे। बदमाशों ने बाटका के पास लघु शंका जाने की बात कहते हुए बोलेरो रुकवाई और उसके चाचा मदन सिंह के साथ मारपीट कर बोलेरो लूटकर मौके से फरार हो गई। क्या चाचा की गाड़ी है, निकल सवाल आए कि चौटन चौरा से गाड़ी लेके गए थे बाटका। बाटका जाते वक्त पहले किलोमीटर पहले से गाड़ी रुकवाई, वापस तो देखा गाड़ी छीन ली वो गाड़ी लेके भाग गए। फिर हमने बाटका चौकी को सूचना दी, चौकी सूचना दी, वहाँ पर कार्रवाई कुछ की। मैंने फिर वापस फोन गए बाटका जाकर मैंने कार्रवाई की। वो पीछे फोन आया गाड़ी यहाँ लावारे जाना खड़ी है, ऑफिस है आई पुलिस स्टेशन में पहुँचा, ये कार्रवाई कर रही पुलिस। चाचा को कितने लोग आए थे, क्या बोला चाचा से? तीन लोग थे वहाँ पे, बाटका सवारी छोड़ने के बोला। वहाँ क्या किया उनके साथ? उन्होंने गाड़ी रुकवाई बाटका से पहले किलोमीटर का, मेरे को पैसा भरना है, पैसा वहाँ गाड़ी रुकवाई, वहाँ पिस्तौल खींच के खड़े रहे नीचे, झड़पा झड़पी की कुछ साथ और गाड़ी लुक के चले गए। अब वो गाड़ी यही है, आपने देखी गाड़ी यही हमारी है। पूरे घटनाक्रम के बाद वाहन चालक मदन सिंह पुत्र भोम सिंह निवासी बाड़मेर गादान ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ ग्रामीण थाने में बोलेरो लूट का मामला दर्ज करवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर बोलेरो लुटेरों की तलाश शुरू की, लेकिन जिले भर में हुई नाकाबंदी की भनक लगते अज्ञात आरोपी लूटी गई बोलेरो गाड़ी शहर के चामुंडा चौराहे के पास छोड़कर भाग गए। इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने लावारिस बोलेरो की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो को डिटेन कर मामले की पड़ताल की। फिलहाल बोलेरो लूट के आरोपी फरार चल रहे और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।